huge victory. This is the due to the pressure of the mass movement. We have expedited the movement from the medical mass to the general people. हम लोगों को लगता है इससे जो importance है वो हमने समझा सके उसको, तो इसमें कोई पॉजिटिव मूव कभी भी आ सकता है। आज 38वें दिन मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन, उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने सारे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया और ये क्लियरली उनको हम समझाया हमने कि हमें जस्टिस ही चाहिए। ये इस आंदोलन ये एक छोटी सी कामयाबी है जो हमने आज 38वें दिन अचीव किया है। आज 38वें दिन मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन, उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम लोगों का जो डिमांड था, जो एक जस्टिफाइड डिमांड था, उसके उसने स्वीकार किया और सीपी सर को रिमूव कर फ्रॉम दिस पोस्ट के रिमूव करने के लिए उसने रखा और डीएमई डीएसएच और डीसी नॉर्थ सर को भी उसका पोस्ट से हटाने के लिए जो पार्ट था वो उसने रखा। रिगार्डिंग और द सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम और द डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट इन द कैंपस, इससे भी कुछ रिलेटेड हम लोगों का मांग था, वो भी हम रखे, लेकिन उसमें कोई डेफिनेट सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। हम लोगों को लगता है इससे जो इम्पोर्टेंस है वो हमने समझा सके उसको, तो इसमें कोई पॉजिटिव मूव कभी भी आ सकता है। ह्यूज विक्ट्री, दिस इज द ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द मास मूवमेंट। वी हैव एक्सपीडाइट द मूवमेंट फ्रॉम द मेडिकल मास टू द जनरल पीपल। वी हैव ह्यूज रैली यस्टरडे एंड आवर टफनेस, the leadership, the toughness of our leadership proves that demand can be achieved only with the mass movement. So it is a huge achievement, but we can mention that we will continue our protest in different form till the Abhaya get the justice.